शहर में उन्नत तकनीकी से सुसज्जित अल्ट्रासाउंड सेंटर का शुभारंभ हो गया। शहर के मुख्य मार्ग पर गायत्री अल्ट्रासाउंड सेंटर का विधिवत उद्घाटन विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं विनय चौधरी मुख्य अतिथि सम्राट चौधरी को अंगवस्त्र बुके एवं फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन विधिक संघ के पूर्व अध्यक्ष हरे कृष्ण वर्मा ने किया। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि तारापुर में स्वास्थ्य सेवा को उत्कृष्ट स्तर पर पहुँचाने का निरंतर प्रयत्नशील हूँ। आज निजी स्तर पर जिस क्लिनिक का उद्घाटन किया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि यह सामाजिक क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। आगे कहा, जो लोग राशन लेते हैं उनके ऊपर आयुष्मान भारत की कृपा आपके ऊपर है। 1,08,00,000 लोगों को भारत सरकार दे रही है। 76,00,000 लोगों को जब हम सरकार में थे इसको भी व्यवस्थित करने का काम किया था। माँ टैलडी का आशीर्वाद, जिसको लेकर इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आपका प्रतिनिधि कभी नहीं रहा, आपके बेटे की तरह तारापुर को सजाने का प्रयास करूंगा। विराट चंद्रा की तरह और भी लोगों को आगे बढ़कर काम करना चाहिए। इंजीनियर रोहित चौधरी ने कहा कि तारापुर में अल्ट्रासाउंड की सबसे ज्यादा कमी थी, क्योंकि मैं भी इसका खामियाजा वर्ष 2014 में भुगत चुका हूँ। भागलपुर जाने के बाद भी वहाँ 10 बजे के बाद अल्ट्रासाउंड किया जाता था। मैं स्वास्थ्य सेवा के विस्तार के लिए उस कड़ी पर में लगा हुआ हूँ। स्वास्थ्य का भी विस्तार हम लोग शिक्षा के रूप में करें, हॉस्पिटल के रूप में हो सकता है, मैं नहीं कर पाऊं। मैं विराट चंद्रा को बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाजपा नेता, जमुई जिला प्रभारी रविंद्र सिंह कल्लू, खगड़िया जिला प्रभारी कुमार प्रण्य, जिला परिषद सदस्य दुर्गेश सिंह, अनिल सिंह ने भी सभा को संबोधित किया। मौके पर मुख्य पार्षद नीलम देवी, मुखिया संघ अध्यक्ष साजन कुमार सिंह, विनय कुमार चौधरी, कुणाल चौधरी, निर्मल कुमार सिंह, योगेंद्र मंडल, समीर मधुकर, गोवर्धन सिंह सहित बड़ी संख्या में राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। और माँ टेंडिया का आशीर्वाद है इस पूरे इलाके को विकसित करने में जरूर, क्योंकि मैं तो आपका प्रतिनिधि कभी नहीं रहा, लेकिन इतना जरूर गारंटी देता हूँ कि आपके बेटा के तरह ही तारापुर को सजाने का प्रयास करूंगा। इतना आश्वस्त जरूर करता हूँ। और इस इलाके में लगातार काम बढ़े, विराट की तरह और भी नौजवानों को आगे बढ़कर काम करना चाहिए, और भी चिंता करनी चाहिए कि आज यदि इन्होंने अल्ट्रासाउंड खोला है, कोई सीटी स्कैन की चर्चा करे उस पर आगे बढ़ना चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी को जितना अच्छा करेंगे उतना हम लोगों को सेव कर पाएंगे, बचा पाएंगे। और जहाँ तक मनोज जी ने अपना सुझाव दिया, बहुत अच्छा है, हम उस पर विचार जरूर करेंगे। और मेरा रोल अभी सरकार के विरोध का है, तो मैं तरफ प्रश्न ज्यादा उठाता हूँ चीजों को। डेवलपमेंट का काम जब सरकार में था तो ज्यादा करता था, क्योंकि अब जो दायित्व है उसी दायित्व में काम करने हैं, तो सरकार के सामने जरूर आवाज उठाने का काम करूंगा, प्रयास करूंगा कि आपकी चीजें स्थापित हो। लेकिन मेरी पूरी शुभकामना है, ठीक ही कहा आदरणीय परमानंद चौधरी जी का जो नाम है इस इलाके में, जो सम्मान रहा है उस सम्मान को विराट ढोने का काम करे। लेकिन हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि चीजें माइनूटली और स्ट्रक्चर होता है, कोई कौन आएगा गरीब कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जिसके पास कार्ड किसी तरह का नहीं हो रजिस्ट्रेशन जरूर करा लो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आपको ही राशि नहीं प्राप्त होगी। तो चीजें पूरा स्थापित, हमको लगता है वहां से तो दोबारा हो गया। आयुष्मान के लिए भी रजिस्टर कराना चाहिए, जिससे कि तुम आपको भी और चीजें आसान हो। राशि कोई मुफ्त में किसी का काम नहीं करना चाहिए। मैं अगर क्लियर करता था ना, मैं किसी का काम नहीं। जीवन में सेवा का भाव तभी जगेगा जब उसको भी लगना चाहिए कि हमारा पैसा एक उचित जगह पर जाने का काम कर रहा है। देखो, जो सूचना मिली कि विराट से ज्यादा उसकी पत्नी देखेगी, तो मेरी पूरी शुभकामना है कि महिलाएं आगे आई है, हमारे घर से परिवार से बाहर आकर समाज की सेवा करना चाहती हैं, इस इलाके में मेडिकल सेक्टर को और आगे बढ़ाना चाहती हैं। मेरी पूरी शुभकामना है, कभी कोई जरूरत हो जरूर आपका ये भाई आपके लिए खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि मैंने डिसाइड किया था उस समय कि मैं खुद वैसा होगा तो मैं खोलूंगा, लेकिन मैं अल्ट्रासाउंड पे नहीं। जैसा पंडित जी ने कहा कि स्वास्थ्य का विस्तार होना चाहिए, उस कड़ी पे मैं जरूर लगा हुआ हूँ कि स्वास्थ्य का भी विस्तार हम लोग
शिक्षा के रूप में, हॉस्पिटल के रूप में हो सकता है मैं नहीं कर पाऊं, लेकिन शिक्षा के रूप में आगे इस चीज में लगूंगा। और इस संयोग है विराट ने खोला, मैं उसे बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि हम लोग सोचते रहे और सोचने का तात्पर्य यह था कि यहाँ का व्यवस्था हो, यहाँ लोगों को व्यवस्था दिया कि जब मैं भोग सकता हूँ तो गरीब लोग या यहाँ के जन लोग, नागरिक लोग, सबको कितना व्यवस्था दिक्कत होता हो। और दो तीन अब मुझे सुनने में आया, दो तीन और खुल गए हैं, लेकिन जो भी है मैं एकदम इसे तहे दिल से शुभकामना देता हूँ बिहार जी को, मामा मामी को। अच्छा है, बहुत अच्छा सोच रहा,